हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज मैं बनाने वाली हूँ चौलाई के बहुत ही स्वादिष्ट लड्डू। ये बहुत ही ज़्यादा रिच प्रोटीन और फाइबर युक्त होते हैं, बहुत कम समय में बहुत कम इंग्रेडिएंट्स के साथ बनकर तैयार हो जाते हैं। तो चलिए, ज़्यादा देर ना करते हुए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने ले लिए हैं ये चौलाई के बीज, और आज मैंने सोचा था मैं ये बनाऊँगी, तो मैंने इन्हें आज 1 से 1.5 घंटे के लिए धूप में सुखाने के लिए डाल दिया था। जब भी आप सोचें कि आज चौलाई के लड्डू बनाने हैं, तो आप इसे 1 घंटे के लिए धूप में सुखा दें। इससे आपको भुनने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। जब हम इसे भुनेंगे तो ये बहुत आसानी से भुने जाते हैं। तो आपके यहाँ इसे किस नाम से जानते हैं? वैसे इसका नाम राजगिरा, अमरनाथ, रामदाना ऐसे नाम भी होते हैं, हमारे इधर तो इसे चौलाई ही बोलते हैं। आप ज़रूर बताना आपके यहाँ ये किस नाम से जाने जाते हैं। तो यहाँ पर कढ़ाई हमारी अच्छे से गर्म हो गई है, और अब हम इसमें डाल देंगे ये बीज। तो इसे थोड़ा थोड़ा करके हम डालेंगे, क्योंकि अगर बहुत सारा एक साथ डाल देते हैं तो फिर ये नीचे से जलने लगता है। तो यहाँ पर मैंने इतना कुछ डाला है, और आप इसे भुनने के लिए किसी कॉटन के कपड़े का यूज़ भी कर सकते हैं, उससे भी बहुत आसानी से भुना जाता है। मैंने यहाँ पर इस तरीके का एक चमचा लिया हुआ है, इससे मैं इसे लगातार चलाते हुए भुन रही हूँ। इसे छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है आपको भुनते टाइम, नहीं तो ये बहुत जल्दी जलने लगता है। तो भुनने के बाद ये कुछ इस तरीके का होता है, देख सकते हैं आप लोग, वाइट कलर का हो जाता है। तो अभी इसको भुनने में आपको 1 से 1.5 मिनट का टाइम लगेगा। तो यहाँ पर देखिए आप लोग, ये अच्छे से भुन चुका है, और हम इसे अब अलग एक बर्तन में निकाल लेंगे। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पहले भी भुना था, तो वो मैंने ना थोड़ी ठंडी कढ़ाई में डाल दिया था, तो वो थोड़ा सा नीचे से जल चुका था। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा और डाल दिया है, और इसे भी हम अच्छे से भुन लेंगे। तो जब हम बहुत दिनों के बाद किसी चीज़ को बना रहे होते हैं ना, तो फिर हमें भी थोड़ा बहुत हिचकिचाहट सी होती है। जैसे पहली बार वाला मेरा थोड़ा सा जल गया, लेकिन दूसरी बार तीसरी बार बहुत आसानी से ये हो गया। देखिए, तो जब ये भुनता है ना, तो ये बहुत ज़्यादा कढ़ाई से बाहर की तरफ को गिरने लगता है चटकते टाइम। तो आप गहरी कढ़ाई का यूज़ किया करेंगे तो फिर ये नहीं गिरेगा। तो ये भी हमारा हो गया है अच्छे से, और हम इसे भी निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम बनाएंगे लड्डू के लिए चाशनी। तो मैंने वही वाली कढ़ाई गैस पे चढ़ा दी है, कढ़ाई हमारी ऑलरेडी बहुत गर्म है। तो इसमें हम डालेंगे 1 से 1.5 चम्मच के आसपास देसी घी। घी हमारा मेल्ट हो जाए उसके बाद मैं यहाँ पर डाल रही हूँ ये गुड़। तो आप इसकी चाशनी चीनी या गुड़ किसी से भी बना सकते हैं, लेकिन गुड़ में ये लड्डू और भी ज़्यादा स्वादिष्ट लगते हैं। तो यहाँ पर हमारा घी जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म है, तो हमारा जो गुड़ है ना बहुत जल्दी जल्दी इसमें मेल्ट होने लगेगा। तो हमें इसमें अच्छे से इसे मेल्ट होने देना है। तो इसमें कम से कम 1 मिनट का टाइम लगेगा, बहुत जल्दी जल्दी ये मेल्ट हो जाएगा। देख सकते हैं आप लोग कितनी जल्दी ये मेल्ट हो गया है। तो इसमें अब हम डालेंगे थोड़ा सा पानी। तो यहाँ पर पानी जो मैं यूज़ कर रही हूँ वो गर्म पानी यूज़ कर रही हूँ। तो इतना कुछ मैंने इसमें पानी डाला है, थोड़ा सा और पानी डाल रही हूँ। तो इतना मैंने इसमें पानी डाला है, तो आप अपना जो क्वांटिटी है उसके हिसाब से ही यूज़ करें। तो इसे हमें 10 मिनट तक पकने देना है, और इसकी हमें एक तार वाली चाशनी बनानी है। तो यहाँ पर इसे पकते हुए हो गए हैं कम से कम 10 मिनट, और अब मैं इसे ना चेक कर लेती हूँ। तो वैसे देख के ही पता चल रहा है कि ये हो चुका है। जब ये होने लगेगा ना, तो देख सकते हैं आप इसमें एक शाइनिंग सी आ जाती है। तो यहाँ पर देखिए ये चिपकने लगा है ना, तो बस इतना ही हमें इसे पकाना है, और इससे ज़्यादा हमें इसे नहीं पकाना है। तो ये देखिए, ये मेरे हाथ पे भी दिख रहा है ना, शाइन सी हो रखी है। तो यहाँ पर अब हम इसे गैस को बंद कर लेंगे, और इसे एक अलग बर्तन में छलनी की हेल्प से छान के रख लेंगे। तो यहाँ पर मैंने पहले से ही छन्नी वगैरह रखी हुई है, इसमें निकाल देते हैं इसको। डायरेक्ट भी हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कढ़ाई वगैरह इस टाइम पे ना सब कुछ बहुत गर्म गर्म होता है, तो बहुत ही केयरफुली आप लोग इसे कीजिए। तो यहाँ पर देखिए हमारी जो चाशनी है वो बनकर बिल्कुल तैयार हो गई है, और कितनी ज़्यादा इम्प्योरिटी निकली है। तो छलनी में छानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो इसे रखते हैं साइड में, और ये ले लेते हैं अपने चौलाई का बीज। तो अब हमें गर्म गर्म चाशनी का यूज़ इसमें करना है, क्योंकि गुड़ वाली चाशनी है तो ये बहुत जल्दी जल्दी जमने लगती है। तो हमें गर्म गर्म ही इसमें यूज़ करनी है, जिससे कि लड्डू हमारे बटने में बहुत आसानी से बट जाए। अगर हम ठंडी चाशनी डालेंगे तो फिर लड्डू बनेंगे नहीं आपके। तो यहाँ पर गरम गरम चाशनी का यूज़ मैं कर रही हूँ, तो थोड़ा थोड़ा करके मैं इसमें चाशनी डाल रही हूँ, क्योंकि एक साथ बहुत सारी डाल दूँगी तो ज़्यादा भी हो सकती है। तो धीरे धीरे डाल के इस तरीके से इसे फटाफट से मिला लेंगे। तो यहाँ पर मुझे लग रहा था थोड़ा और मिला लेती हूँ करके, तो यहाँ पर मैंने थोड़ा और मिला लिया है। तो अभी ये बहुत ज़्यादा गर्म है, तो इसे थोड़ा सा ठंडा करने के लिए छोड़ देंगे। देखिए मेरा हाथ भी बिल्कुल भी, मतलब हाथ भी नहीं लगा पा रही हूँ, इतना ज़्यादा गर्म है। इसीलिए मैं इसे ले आई थी रूम में, मैंने सोचा चलो थोड़ा पंखा चले रहेगा ऊपर से, तो थोड़ा सा इनको बटने में आसानी हो जाएगी। तो अभी भी ये बहुत ज़्यादा गर्म है, लेकिन ये लड्डू गर्म गर्म ही बटने होते हैं।
तो कुछ इस तरीके से ये लड्डू बनके तैयार होंगे। अगर आप चीनी की चाशनी का यूज़ करेंगे तो फिर आपके ये जो लड्डू हैं इनका कलर बिल्कुल वाइट कलर के ही ये बनेंगे जैसे मार्केट में मिलते हैं। ये गुड़ की चाशनी की वजह से इस कलर के दिख रहे हैं आपको, ब्राउन ब्राउन कलर के, लेकिन खाने में यही वाले लड्डू बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। और इन लड्डुओं में ना ड्राई फ्रूट वगैरह अच्छा नहीं लगता, ये सिंपल ही अच्छे लगते हैं। तो इस तरीके से देखिए बहुत ही आसानी से ये बन के तैयार हो जाते हैं। तो इस टाइम पे ये बैटर बहुत ज़्यादा गर्म है तो ये लड्डू जो है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो रखे हैं। अगर आप इन्हें हाथ से छुएंगे तो ये एक मिनट में टूट जाएंगे, और अगर आप इस टाइम पे इसे खाएंगे तो आपको बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे। तो ये लड्डू 5-6 घंटे के लिए आपको जो नॉर्मल टेम्परेचर है उसमें रखने पड़ेंगे हवा में, या फिर अगर आपको जल्दी यूज़ करने हैं तो आप इसे फ्रीजर में भी रख सकते हैं। तो ये बहुत जल्दी जल्दी जैसे जैसे चाशनी ठंडी होती है तो ये चिपक के टाइट हो जाते हैं, तो फिर तभी खाने में अच्छे भी लगते हैं। तो यहाँ पर इतने कुछ लड्डू बनकर हो गए हैं तैयार। तो कैसी लगी आपको मेरी ये रेसिपी कमेंट में ज़रूर बताना। और ये जो चौलाई के लड्डू होते हैं आप व्रत में भी बहुत ही आसानी से खा सकते हैं, ये फलाहार में आता है। तो चलिए दोस्तों आज की ये वीडियो यहीं पर एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आएगी। अगर थोड़ा सा भी ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर।